हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टीसीपी डेटा ट्रांसफर। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस की थी, थ्री वे हैंडशेकिंग। तो थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उस मेथड के थ्रू क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या करते हैं, थ्री वे हैंडशेकिंग थ्योरम के थ्रू वो आपस में कनेक्शन को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद करना है डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर जो है वो टीसीपी कैसे करता है, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर से पहले मैं आपको बता दूं कि टीसीपी जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि दोनों क्लाइंट एंड सर्वर दोनों जो है वो अपने रिसोर्सेज को रिजर्व कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज को रिजर्व करने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने अपने जो है वो बफर्स को एस्टेब्लिश कर लिया, मतलब इसने भी अपना बफर रख लिया, बैंडविड्थ जो है उन्होंने काफी जो अपने रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी रिजर्व रख दिए, ताकि अब वो वेट कर रहे हैं कि ठीक है मेरे पास डेटा जो है वो आएगा। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीसीपी डेटा ट्रांसफर का कि इट इज अ डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि क्लाइंट से सर्वर भी डेटा ट्रांसफर होगा, सर्वर से क्लाइंट भी जो है वो डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब ये कनेक्शन इस तरीके से है, क्लाइंट से सर्वर भी है और सर्वर से क्लाइंट भी है। तो मतलब क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड कर सकता है और सेम ही टाइम पे सर्वर क्लाइंट को भी डेटा जो है वो सेंड कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अ फुल डुप्लेक्स, मतलब दोनों जो है वो दोनों मतलब क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की, वीडियो आप एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं ये जो स्टार्टिंग में टर्म्स बता रहा हूं ये सारी की सारी उसमें मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। तो रिसोर्सेज को रिजर्व करने के बाद उन्होंने दोनों ने, क्लाइंट और सर्वर ने, विंडो को भी क्या कर लिया, विंडो के साइज को भी नेगोशिएट कर लिया कि लेट्स सपोज मैंने विंडो का साइज नेगोशिएट करके कर दिया 10 byte, मतलब मैं 10 byte भेजूंगा, इसने भी बोल दिया कि मैं भी 10 byte भेजूंगा, ऑल्दो विंडो का साइज 16 bit हो सकता है। तो ऑब्वियसली 2^16 आप ह्यूज नंबर का पूरा सेगमेंट एक बार में भेज सकते हो, लेकिन मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने यहां पे, ताकि आपको इजीली समझ आए, मैंने सिर्फ 10 byte का लिया है कि जब ये डेटा भेजेगा 10 byte, ये डेटा भेजेगा 10 byte, जस्ट आपको समझाने के लिए। अदरवाइज विंडो का साइज और ये सारा कुछ भी मैंने टीसीपी का जो हेडर है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब देखो लेट्स सपोज इसका जो सीक्वेंस नंबर है, मतलब ये सबसे पहले क्लाइंट ने डेटा भेजा, तो क्लाइंट ने लेट्स से डेटा भेज रहा है यहां पे 21 to 30, मतलब 10 बाइट हो गए यहां पे, तो 10 बाइट जो है वो ये सेंड कर रहा है क्लाइंट, और 21 टू 30 का मतलब है कि जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर है वो 21 और जो लास्ट सीक्वेंस नंबर है वो 30, लेकिन हम सिर्फ स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर भेजते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, क्लाइंट ने सबसे पहले क्या भेजा, क्लाइंट ने डेटा जो है वो सेंड किया, सीक्वेंस नंबर जो है वो क्या लगा दिया 21, मतलब मैं जो डेटा तेरे को भेज रहा हूं, जो सेगमेंट मैं तेरे को भेज रहा हूं, उस सेगमेंट का जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर है वो 21। अब 21 के बाद यहां पे इसके अलावा चीज क्या हो सकती है, इसके अलावा जो है अगर उससे पहले भी मेरे पास ऑब्वियसली कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या लेट्स सपोज अगर हम मान के चले कि उससे पहले सर्वर से भी कोई डेटा आया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट का इसने फ्लैग, जो फ्लैग वैल्यू है वो क्या कर दी, 1 कर दी। तो फ्लैग्स भी मैंने ऑलरेडी टीसीपी का जो हेडर है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू क्या कर दी, फ्लैग को सेट कर दिया, सेट करने का मतलब 1 कर दिया, और साथ में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है एक्चुअल में, एक्नॉलेजमेंट मतलब कि ये अब जो क्लाइंट है वो सर्वर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को ये डेटा चाहिए, मेरे को ये वाला सेगमेंट चाहिए। तो लेट्स सी एक्नॉलेजमेंट नंबर इसने भेज दिया 71। हम मान के चल रहे हैं कि इससे पहले सर्वर ने 61 से 70 वाला भेज दिया होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 71 भेज दिया। जैसे ही ये पैकेट, ये पूरा का पूरा पैकेट जो है जिसके अंदर डेटा भी है और साथ में जो हेडर फील्ड्स है, हेडर के अंदर हमने ये वैल्यूज डाल दी, अब ये डेटा सर्वर के पास आ गया। सर्वर को क्या समझ में आ गई कि मेरे पास 21 से लेके 30 तक का डेटा आ गया, उसने ये सारे का सारा डेटा जो है वो एक्सेप्ट कर लेना और फिर फर्दर उसने अपनी एप्लीकेशन लेयर को भेज देना। साथ में एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 1 है, मतलब इसने एक्नॉलेजमेंट
भी साथ में भेजी है और एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या है 71। तो 71 का मतलब है कि अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो है वो अब डेटा भेजेगा। अब देखो अब क्या किया, सर्वर ने डेटा ट्रांसफर किया, तो जब सर्वर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसने क्या किया, सीक्वेंस नंबर 71, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है 71, तो इसने लेट्स सपोज सर्वर के पास डेटा था 71 से 80 तक का 10 बाइट, मैंने ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं कि दोनों का विंडो साइज 10 बाइट है, तो इसने 10 बाइट का डेटा भेजा। अब सीक्वेंस नंबर 71 इसको भी तो एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने प्रीवियसली डेटा एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि मेरा डेटा एक्सेप्ट हो गया एक्नॉलेजमेंट से, तो एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग जो है वो 1 कर दिया और एक्नॉलेजमेंट का जो नंबर है वो कितना कर दिया। अब देखो 21 से 30 तक एक्सेप्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है 31, मतलब अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को 31 से स्टार्ट करके डेटा भेजो। सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, बस आपको ये याद रखने हैं। अब देखो यहां पे डेटा ट्रांसफर बस इस तरीके से होता रहेगा, ये अभी ये 31 से 40 भेज देगा, ये नेक्स्ट अपना जो है 81 से 90 भेज देगा, इस तरीके से डेटा ट्रांसफर चलता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहला पॉइंट है यहां पे कि जब हम एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं ये दो तरीके से भेज सकते हैं। एक होता है यहां पे पिग्गी बैकिंग। पिग्गी बैकिंग का मतलब क्या है कि जब हम डेटा भेज रहे हैं ना, डेटा के साथ ही हम एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहे हैं। देखो हमने डेटा भेजा, ये देखो इसमें 10 बाइट भेजे और साथ में हमने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी कि मेरे पास तेरा डेटा आ गया और ये ले मेरी तरफ से डेटा। ऐसे ही उससे पहले क्या किया था, क्लाइंट ने बोला कि ये ले मेरी तरफ से डेटा और जो तेरा डेटा इससे पहले आया था उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होगी, तो मतलब सर्वर को यह भी पता लग गया कि डेटा मेरा जो है वो पहुंच चुका है और नेक्स्ट पैकेट में अब क्लाइंट को पता लग गया कि मेरा डेटा पहुंच चुका है और सर्वर से डेटा भी आ गया। तो यानी डेटा और एक्नॉलेजमेंट जब हम दोनों एक बार में भेजते हैं दैट इज कॉल्ड अ पिग्गी बैक्ड पैकेज। तो ये जो पिग्गी बैकिंग है ये हम यूज क्यों करते हैं, ऑब्वियसली नेटवर्क के ट्रैफिक को कम करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आपने डेटा भेजा एक्नॉलेजमेंट फिर डेटा एक्नॉलेजमेंट, तो ऑब्वियसली जो आपका जो ट्रैफिक है जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर आप डेटा भी भेज रहे हो और साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो अलग अलग पैकेट्स में, तो ऑब्वियसली डेटा के अंदर जो नेटवर्क है नेटवर्क के अंदर काफी सारे पैकेट्स हो जाएंगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिग्गी बैक कर रहे हैं, तो जिसके अंदर डेटा और एक्नॉलेजमेंट हम साथ के साथ भेजते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा मेथड क्या होता है, प्योर एक्नॉलेजमेंट। प्योर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हम अकेली एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हैं। तो लेट्स से क्या उसका भी एक एग्जांपल देख लो, लेट्स से अब क्लाइंट वो हम करेंगे क्यों, जब हमारे पास पिग्गी बैक है जिसमें हम डेटा और एक्नॉलेजमेंट एक बार में भेज रहे हैं, जिससे मेरे पास नेटवर्क के अंदर ऑब्वियसली रिड्यूस होंगे, फालतू के पैकेट्स नहीं आएंगे, कंजेशन भी कम रहेगा, तो फिर मैं अकेली प्योर एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजूंगा। उसका रीजन है कि ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज किसी के पास डेटा ही नहीं है भेजने के लिए, तो अगर डेटा ही नहीं है तो या तो मैं वेट करता रहूं कि डेटा आएगा, डेटा जब आएगा तब मैं भेजूंगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है, और टाइम आउट की वजह से जिस बंदे ने डेटा भेजा था ना पहले, वो बेचारा वेट कर रहा है कि मेरी एक्नॉलेजमेंट कब आएगी, कब आएगी, कब मुझे पता लगेगा कि मेरा डेटा भेज दिया। जैसे आप नॉर्मली जो है अपनी जो ट्रांसफर करते हैं, जब हम थर्ड पार्टी पेमेंट वगैरह करते हैं पेटीएम से या अमेजोन कोई भी हम यूज करते हैं, तो जब ओटीपी वगैरह भर देते हैं सारा कुछ, तो लास्ट में हम क्या वेट करते हैं, एक्नॉलेजमेंट की ट्रांजेक्शन नंबर आता है। अब अगर आप वेट ही करते रहो वहां पे बफरिंग होती रहे, तो तब तक क्या होता है, तब तक कहीं ना कहीं आपका जो है वो मतलब बहुत ज्यादा एंशियस होते हो कि यार कब कंप्लीट होगी मेरी ट्रांजेक्शन, कब जो है वो कंप्लीट होगी। तो जैसे ही आ जाता है कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, ट्रांजेक्शन नंबर इज दिस, साथ के साथ एक कहीं ना कहीं जो है वो हमें मतलब इजीनेस फील होते है कि हाँ यार मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो होती है एक्नॉलेजमेंट। तो अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है भेजने के लिए, तो मैं एक्नॉलेजमेंट मेरे को भेजनी पड़ेगी ताकि वो बंदा वेट ना करे। अब लेट्स से क्लाइंट के पास डेटा नहीं है भेजने के लिए, तो लेकिन उसने डेटा भी रिसीव किया है सर्वर से, तो यार एक्नॉलेजमेंट तो भेजो। तो एक्नॉलेजमेंट जब हम अकेली एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं उसको बोलते हैं प्योर। तो अब देखो ये क्या भेज रहा है, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जब हम प्योर एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं सीक्वेंस नंबर यूज नहीं होता, मतलब हम यहां पे सीक्वेंस नंबर इसने क्या एक्सपेक्ट किया 31, हम 31 तो भेज रहे हैं लेकिन ये सिर्फ सीक्वेंस नंबर हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं, ये कंज्यूम नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ जस्ट बताने के लिए कि भैया तेरे को 31 चाहिए था, मैं 31 भेज रहा हूं, लेकिन ये यूज नहीं हुआ, ये जस्ट इसने लगा के भेज दिया, मतलब इसके साथ कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ 31 एक्नॉलेजमेंट को फ्लैग को 1 कर दिया और एक्नॉलेजमेंट नंबर देखो क्या आ गया,
इसने 71 से 80 तक का भेज दिया था, अब ये नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा है 81 वाला। तो जैसे ये पैकेट यहां पे पहुंचा, इसको पता लग गया सर्वर को कि ठीक है मेरा पैकेट रिसीव हो गया। अब लेट से कुछ टाइम बाद क्लाइंट के पास अगले 10 बाइट तैयार हो गए, अगले 10 बाइट तैयार हो गए तो इसने भेज देना, क्या दिक्कत है, इसने भेज दिया। तो अब क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर 31 जो है वो भेज देगा। मतलब यहाँ पे अब ये डेटा और साथ ही साथ, मतलब जो यहाँ पे 31 से लेके 40 तक का डेटा भेज रहा है, और साथ ही साथ अगर एक्नॉलेजमेंट दोबारा करना चाहता है कर सकता है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ डेटा भी यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये थी आपकी प्योर एक्नॉलेजमेंट और ये था आपका डेटा ट्रांसफर। तो ये पॉइंट्स जो है आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं कि प्योर एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, पिगी बैकिंग यहाँ पे क्या होती है, बस इस तरीके से जो है ये डेटा ट्रांसफर एक दूसरे के साथ करते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एक है इसके अंदर जो हमारे फर्दर फ्लैग्स होते हैं लाइक पुश फ्लैग है, और इसके अलावा अर्जेंट पॉइंटर है, अर्जेंट फ्लैग है, उसका क्या यूसेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा ट्रांसफर का सिंपल सा वे है कि क्लाइंट और सर्वर फुल डुप्लेक्स में डेटा ट्रांसफर करते हैं, और पिगी बैकिंग और प्योर एक्नॉलेजमेंट का क्या सीन है, इस तरीके से डेटा जो है वो एक दूसरे को फिर ये क्लाइंट जो है सर्वर सेंड कर देगा क्लाइंट। अब इसके बाद जो होता है टर्मिनेशन, कनेक्शन को हम टर्मिनेट कैसे करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।